आनंद महिंद्रा के एफर्ट्स की वजह से भारत में फिर से लॉन्च हुई जावा और येजदी बाइक शुरुआत में तो कस्टमर्स को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाई, लेकिन रीसेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग फ्यूचर में इस ब्रांड की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। हेलो राइडर्स, यह है रूटेड शो और आज के संडे स्पेशल वीडियो में हम जावा, रॉयल एनफील्ड और बजाज की मार्केट कंडीशंस के साथ साथ कावासाकी, केटीएम और एप्रिलिया की अपकमिंग बाइक से जुड़ी कई न्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। इस हफ्ते की पहली न्यूज कावासाकी की तरफ से है, जिन्होंने अपनी नई वर्सेस 650 को भारतीय मार्केट में लॉन्च कर दिया है। वर्सेस एक एडवेंचर टूरर है जो 2015 से ही भारतीय मार्केट में अवेलेबल है। 17 इंच व्हील्स और 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ये बाइक सिर्फ सिटी और हाईवेज के लिए ही सूटेबल है, पर 845 mm की सीट हाइट और हाई सेट हैंडल बार्स इसे बिग एडवेंचर बाइक वाला फील देते हैं। सीसी पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ ये बाइक 66 एचपी की मैक्सिमम पावर और 61 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करती है। इस नए 2024 वर्जन में सिर्फ कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं। वर्सेस 650 की ऑन रोड प्राइस अराउंड 9 लाख है, इसीलिए भारत में सिर्फ कुछ गिने चुने राइडर्स ही इसे खरीदते हैं। भारतीय मार्केट में सबसे ज्यादा बाइक्स बेचने वाली कंपनीज की बात करें तो न्यू सेल्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मार्च 2024 में 4,59,297 बाइक्स बेचकर हीरो नंबर 1 की पोजीशन पर बनी हुई है। मार्च 2024 में 2,60,532 यूनिट्स की सेल्स के साथ टीवीएस की मार्केट पोजीशन में 2.6% का डिक्लाइन आया है और 66,604 यूनिट्स की सेल्स के साथ रॉयल एनफील्ड ने भी 1.94% का डिक्लाइन नोटिस किया है। पर अपने पिछले महीने के ट्रेंड को बदलते हुए बजाज ने 13.18% की ग्रोथ की है। एड में तो F250 काफी कूल दिख रही है, पर इन रियलिटी मार्च 2024 में भारतीय मार्केट के अंदर बजाज की 1,93,004 बाइक्स बिकी हैं, जो पिछले महीने के ह्यूज डिक्लाइन के बाद बजाज के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज है। अगली न्यूज भी बजाज की तरफ से है। आने वाले 10 अप्रैल को बजाज अपनी नई पल्सर N250 को लॉन्च कर सकता है। इस नए वर्जन में सेम इंजन और सेम स्टाइलिंग के साथ अपसाइड डाउन फोक्स, LCD डिस्प्ले और न्यू ग्राफिक्स मिलने वाले हैं, ऑब्वियसली जिसके बाद इस बाइक की प्राइस में भी थोड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। पर मोस्ट लाइकली ये बाइक जिक्सर 250 और ड्यूक 250 जैसी दूसरी सेम सेगमेंट बाइक से सस्ती ही होगी। 2018 में जब महिंद्रा ग्रुप ने जावा बाइक्स को फिर से भारतीय मार्केट में इंट्रोड्यूस किया था तो लोगों के बीच इन नई बाइक्स को लेकर काफी क्यूरियोसिटी थी, पर ट्रस्टेड रॉयल एनफील्ड बाइक्स के आगे कम ही लोगों ने इन्हें खरीदना पसंद किया। फिर COVID-19 पैंडेमिक की वजह से 2020 और 2021 में जावा की पोटेंशियल ग्रोथ कोरोना वेव में वैनिश हो गई, लेकिन अब धीरे धीरे कस्टमर्स जावा और येजदी बाइक्स पर थोड़ा भरोसा करने लगे हैं और इसी भरोसे को और मजबूत करने के लिए जावा एंड येजदी ने अपने कस्टमर्स का स्पेशल ध्यान रखते हुए मुंबई में एक स्पेशल सर्विस कैंप अनाउंस किया है, जहां 2019 से 2020 तक बेची गई सारी बाइक्स के एग्जॉस्ट मफलर्स और रेयर सस्पेंशन को फ्री में रिप्लेस किया जाएगा। ये सर्विस जावा बाइक्स की कुछ यूनिट्स में एग्जॉस्ट और सस्पेंशन पर रस्टिंग की प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए दी जा रही है, जो काफी अप्रिशिएबल स्टेप है। अगली न्यूज एप्रिलिया की तरफ से है, जो बहुत जल्द भारत में अपनी नई एडवेंचर बाइक टुआरेग 660 को लॉन्च करने जा रहा है। पहली बार सुनने पर यह अजीब सा नाम टूरिंग से मिलता जुलता लगता है, पर असल में टुआरेग का मतलब होता है टिम्बकटू और नाइजीरिया के आसपास सहारा डेजर्ट में रहने वाले लोकल लोग, जिन्हें बर्बर भी कहा जाता है। एप्रिलिया का मैसेज क्लियर है, बर्बर लोगो यानी कि टुआरेग्स की तरह एप्रिलिया टुआरेग भी डेजर्ट की हार्श ऑफ रोड कंडीशंस को टैकल करने के लिए बनी है। 21 इंच फ्रंट, 18 इंच रेयर स्पोक व्हील्स और लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन के साथ ये बाइक ऊंचे नीचे रास्तों पर आसानी से चल सकती है। इसमें लगा 659 cc पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन 80 bhp की मैक्सिमम पावर के साथ 70 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। प्रीमियम हार्डवेयर और ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक राइडिंग एड्स के साथ ये बाइक भारत में अराउंड 19 लाख की आएगी, जो काफी ज्यादा है। अगली न्यूज है एक और एक्सपेंसिव बाइक के बारे में, जिसका नाम है इंडियन स्काउट। फाइनली इंडियन मोटरसाइकिल्स ने इंटरनेशनल मार्केट में अपनी नई 2025 स्काउट बाइक्स को लॉन्च कर दिया है। स्काउट क्लासिक, सुपर स्काउट, स्काउट बॉबर, स्पोर्ट स्काउट और 101 स्काउट सेम सेम बट डिफरेंट है। इन सभी बाइक्स में 1,250 cc का लिक्विड कूल वी ट्विन इंजन लगा है, जो 105 bhp की मैक्सिमम पावर और 111 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। पर स्पेशल ट्यूनिंग की वजह से 101 स्काउट में ये इंजन 111 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है।
जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इंडियन मोटरसाइकिल्स पर डिटेल्ड वीडियो जल्द ही आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे ऐसी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। ओके। अगली न्यूज बजाज की अपकमिंग सीएनजी बाइक ब्रेजर के बारे में है। रिसेंटली फिर से इस बाइक के टेस्ट म्यूल को सड़कों पर देखा गया है और अब ये बाइक ऑलमोस्ट प्रोडक्शन रेडी लग रही है। फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम ब्रेक के साथ लॉन्ग बेंच सीट इस बाइक के अफोर्डेबल कम्यूटर होने का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। ये भारत की पहली लार्ज स्केल प्रोडक्शन सीएनजी बाइक होगी जो अगले कुछ ही महीनों में ऑटो वर्ल्ड की बिग न्यूज बनने वाली है। रॉयल इनफील्ड हिमालयन 450 की ह्यूज सक्सेस के बाद अब केटीएम ने भी नई एडवेंचर 390 पर काम करना शुरू कर दिया है। रिसेंटली सड़कों पर अपकमिंग एडवेंचर 390 के दो वर्जन्स को टेस्ट करते देखा गया है। 19 इंच फ्रंट व्हील के साथ नई एडवेंचर 390 को टूरिंग के लिए डिजाइन किया जा रहा है, लेकिन प्रॉपर 21 इंच फ्रंट व्हील के साथ नई 390 इंडियोरो हार्डकोर ऑफरोडर होगी। बेटर सस्पेंशन और न्यू स्विंग आर्म के साथ इन बाइक्स में नई ड्यूक 390 की तरह ऑफसेट मोनोशॉक लगा होगा, जिससे बाइक में बड़ा एयरबॉक्स फिट किया जा सकता है। टूरिंग पर्पस के लिए डिजाइन एडवेंचर 390 में ड्यूक इंस्पायर्ड हेडलैम्प के साथ बड़ा वाइजर होगा, पर इंडियोरो वर्जन के हेडलैम्प यूनिट में हमें थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगली न्यूज अल्ट्रा वॉलेट की तरफ से है, जो 24 अप्रैल को एक नई और काफी ज्यादा फास्ट बाइक लॉन्च करने जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ये आइकमा 2023 में शोकेस की गई F99 प्रोटोटाइप पर बेस्ड एक हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक बाइक होगी। करंटली मार्केट में अवेलेबल अल्ट्रा वॉलेट F77 मैक्सिमम 140 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड अचीव करती है, पर शायद ये नई अपकमिंग बाइक इससे भी ज्यादा फास्ट होने वाली है। अगली न्यूज चाइनीज कंपनी CF मोटो की तरफ से है, जिसने रिसेंटली इंटरनेशनल मार्केट में अपनी नई क्रूजर बाइक 450 CLC को लॉन्च किया है। ये एक स्टाइलिश लुकिंग क्रूजर है जो मार्केट में कावासाकी एलिमिनेटर 500 से कम्पीट करेगी। इस बाइक में 450 SR वाला 449 cc पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन है, जो बेस्ट क्रूजिंग एक्सपीरियंस के लिए 43 bhp की मैक्सिमम पावर और 42 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। फिलहाल 450 SR और 450 CLC दोनों ही भारतीय मार्केट में अनअवेलेबल हैं। भारत में अवेलेबल 300 NK और CF मोटो की दूसरी 650 cc बाइक्स की तरफ कस्टमर्स के लो रिस्पॉन्स की वजह से इन 450 cc बाइक्स के लॉन्च होने के चांसेस भी कम ही है। और अब इस हफ्ते की लास्ट न्यूज है होंडा मंकी के बारे में। ये एक मिनी बाइक है जो प्राइमरली यूरोपियन मार्केट्स के लिए बनाई गई है। रिसेंटली होंडा ने इस 125 cc मिनी बाइक के स्टार वॉर एडिशन को लॉन्च किया है। इसकी सिर्फ 150 यूनिट्स बनाई गई हैं, जिन्हें खरीदने के लिए 7 अप्रैल यानी कि आज से ऑनलाइन ऑक्शन किया जा रहा है। इस तरह की ऑफबीट बाइक्स के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। आज की ये संडे स्पेशल वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। बाइक्स और कार से जुड़ी और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। राइड सेफ टू राइड अगेन। सी यू इन द नेक्स्ट वन।